दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे B2B और B2C के बारे में। एक्चुअल में B2B और B2C होता क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। दोस्तों B2B और B2C के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि कस्टमर और कंज्यूमर कौन होते हैं। जब हम किसी सर्विस प्रोडक्ट को सेल करते हैं और जो पर्सन हमारे सर्विस प्रोडक्ट को खरीदता है और उसका पेमेंट करता है, तो वो होता है हमारा कस्टमर। और उस प्रोडक्ट सर्विस जो उसके द्वारा खरीदी गई है उसको वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, वो होता है हमारा कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पर्सन ने अपने लिए टी शर्ट खरीदी है, तो उस टी शर्ट का पेमेंट भी उसने किया है, तो वही कस्टमर है, बिकॉज कंज्यूम भी वही कर रहा है, उसने उसके लिए खरीदी है, तो वही उसका कंज्यूमर भी है। और दूसरी तरफ उसने अपने बेटे के लिए शर्ट खरीदी, तो उसमें कस्टमर तो वो हो गया बिकॉज उसने पेमेंट किया है, बट उसने खुद ने यूज नहीं की है, उसके बेटे के लिए खरीदी है, तो कंज्यूमर वो हो गया, तो कंज्यूमर उसका बेटा हो गया। तो अब जानते हैं हम B2B और B2C के बारे में। दोस्तों जब किसी भी कंपनी के सर्विस प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई इंडिविजुअल या फिर कोई फैमिली होती है तो वो होता है B2C ट्रांजेक्शन। और दूसरी ओर जब किसी सर्विस प्रोडक्ट को खरीदने वाली कोई कंपनी, कोई फर्म या फिर कोई बिजनेस होता है तो वो होता है B2B ट्रांजेक्शन, इट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जो लैपटॉप सेल करती है, तो एक लैपटॉप जो इंडिविजुअल या एक फैमिली के द्वारा परचेज किया जाता है तो वो हो गया हमारा B2C ट्रांजेक्शन। और वही लैपटॉप अगर किसी फर्म या किसी कंपनी के द्वारा खरीदे जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे काफ़ी सारे लैपटॉप की नीड है, तो वो कई सारे लैपटॉप बल्क में परचेज करती है, तो वहाँ पर वो हो गया हमारा B2B ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक उसी तरह कोई कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एक तो उस कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके कोई इंडिविजुअल या कोई फैमिली उससे ड्रेस परचेज करती है, तो वो हो गया उसका B2C ट्रांजेक्शन। और दूसरी तरफ जब कोई बड़ी फर्म, कोई कंपनी उससे थोक में माल परचेज करती है तो वो हो गया B2B ट्रांजेक्शन। दोस्तों अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो B2B के अंदर कई बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज कोई भी कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करती है तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में करती है। वहीं B2C में इन्वेस्टमेंट काफ़ी छोटा होता है, बिकॉज वहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई फैमिली उसे परचेज कर रही होती है। दोस्तों B2B के अंदर जो कस्टमर वैल्यू होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, बिकॉज जो कंपनी, जो बिजनेस होता है वो हमसे लाइफ टाइम सामान परचेस करता है, उसके और हमारे बीच एक एग्रीमेंट होता है, कई सारे ऑफर स्कीम हम उन्हें बताते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो कई सारी चीज़ें हमारे बीच में डिसाइड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा परमानेंट कस्टमर बना होता है। वहीं अगर B2C की हम बात करें तो B2C में हमारा वो परमानेंट कस्टमर नहीं होता, ज़रूरी नहीं है वो कस्टमर, वो फैमिली हमारी शॉप पर, हमारी कंपनी से बार बार प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करे, नहीं, उन्होंने एक बार परचेज कर लिया उसके बाद कोई कंफर्म नहीं है कि इन फ्यूचर भी वो हमारा परमानेंट कस्टमर बन के रहेंगे। दोस्तों B2B के अंदर सर्विस प्रोडक्ट को तभी परचेज किया जाता है जब कंपनी को एक्चुअल में उस सर्विस प्रोडक्ट की नीड होती है, जबकि B2C के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर अगर किसी सामान की ज़रूरत नहीं भी है तो भी वो खरीद लेते हैं, बिकॉज उसमें जो डिसीजन लिया जाता है खरीदने का वो भावनाओं में, वो फीलिंग के साथ लिया जाता है। कोई चीज़ अगर किसी को पसंद आ जाती है तो वो उसे खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई लेडी है जो मॉल में जाती है, अब वहाँ पर उसे एक ड्रेस वहाँ पर देखी, उसका कोई माइंड सेट नहीं था पहले से कि उसे ड्रेस खरीदनी है, बट उसने जैसे ही वहाँ पर डिस्काउंट देखा, ऑफर देखा, वो ड्रेस उसे बहुत अच्छी लगी तो वो उसे परचेज कर लेती है, तो वहाँ पर वो उसकी फीलिंग होती है कि वो रह नहीं पाती परचेज किए बिना, सो वो परचेज कर लेती है। बट B2B में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर डिसीजन मेकर अकेली इंडिविजुअल या फिर फैमिली नहीं होती है, वहाँ पर पूरा बिजनेस, पूरी कंपनी उसमें इन्वॉल्व होती है। कंपनी के जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज उनको उन सर्विस प्रोडक्ट की नीड होती है। दोस्तों B2C का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी होता है, बिकॉज उसमें कस्टमर और जो कंपनी या शॉपकीपर होता है वो आमने सामने डील करते हैं, आमने सामने ही सर्विस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है,
और वहीं से इन्वेस्टमेंट भी लिया जाता है, जबकि बी टू बी का जो प्रोसेस होता है वो काफी टिपिकल होता है और लंबा होता है। बिकॉज इसमें सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कोई कंपनी है तो आप किसी भी बिजनेस को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सबसे पहले आप वहां पर अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद आप अपने सर्विस प्रोडक्ट का वहां पर प्रेजेंटेशन करते हैं, लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, अपने सर्विस प्रोडक्ट की क्वालिटी समझाते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में उनको बताते हैं। सो अगर उनको पसंद आता है आपका प्रोडक्ट सर्विस तो ही वो आपसे परचेज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।